हेलो, आई एम आकाश, दिस इज यूए कैपिटल। बात करते हैं निफ्टी बैंक में किस टाइप का ट्रेड हुआ। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी। मैंने आपको बोला था जैसे इस क्लोज के नीचे चला जाए, यहाँ पे देखो, ये देखो फर्स्ट कैंडल बहुत स्पीड से हुआ है, जो भी मूवमेंट हुआ है तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है। लेकिन दिस टाइम जैसे वो 50 के नीचे गया था, ठीक है, मैंने आपको बोला था शॉर्ट करो, ये सीधा 50 से 450 से सीधा नीचे गया है, अराउंड 150 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट, 300 पॉइंट का रैली। और देखो 15 मिनट में एक भी कैंडल ऐसे नहीं जो ग्रीनली स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। जो बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी ने तो एक भी कैंडल ग्रीन नहीं दी, ठीक है। जैसे ही 500 का सपोर्ट लिया वो ऊपर चला गया, और जैसे ही 500 फिर से ब्रेक किया हमने शॉर्ट कर दिया, फिर पुट बाय कर लिया। और जैसे ही ये शॉर्ट करने के बाद ये रैली मिला है, ये रैली देखो अराउंड 500 से सीधा नीचे आया मार्केट, 570 मतलब 600 पकड़ लो उसको, तो अराउंड 900 पॉइंट का रैली है। कितना? 900 पॉइंट का रैली आपको मिला होगा अगर 15 कैंडल का ट्रेल करते जाते, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी लेवल से डाउनफॉल हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, आई होप आपको, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग थी। मैंने आपको बोला भी था कि बाय में कुछ ट्रेड करना ही नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोला था मैंने आपको, बाय में कुछ मजा नहीं है ट्रेड करने में, शॉर्ट में ही करेंगे। और किस लेवल पे करेंगे वो भी मैंने बहुत ही दो तीन लेवल ही बोले थे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो एक दो ही लेवल बोला था, 500 के नीचे नहीं तो 450 के नीचे, बस इस 50 पॉइंट के नीचे आपको शॉर्ट करना था, और वहीं से आपको डाउनफॉल मिला है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो अभी देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अभी पहले आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, वाई, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम 200 का मूविंग एवरेज है, उसको टच किया है उसने, और यहाँ पे दिस वन टाइम, यहाँ पे अगर देखते हो दिस वन टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड दिस इज द फोर्थ टाइम उसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अभी कल एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो अगर बन सकता है तो बाय कहाँ पे करेंगे बैंक निफ्टी में वो देखते हैं, उसके लिए जाते हैं 15 मिनट्स में। ये देखो फ्लैट अगर ओपन होता है ऊपर चला जाता है तो बाय करेंगे 39850 के ऊपर, ठीक है। कब बाय करेंगे? 39850 के ऊपर वो 40,000 के आसपास जा सकता है। मैंने आपको बोला 40,000 क्या है हमारा मंथली एक्सपायरी क्लोजिंग, तो 150 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो 850 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, नीचे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब ये क्लोज जो है उसके नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा, मतलब 750 के आसपास, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है, सीधा नीचे चला जाता है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, दैट इज 39, जो भी लो है 580 के नीचे, को लिख के दे देता हूं, 39580 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। ऊपर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का भी टारगेट मिल सकता है। अभी बैंक निफ्टी में आपको अच्छा शॉर्ट में टारगेट मिल सकता है, बिकॉज ऑफ एसवीबी बैंक, दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा फॉल आ सकता है, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा ऑन एसवीबी बैंक। अभी ये क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, और व्हाट इज द रीजन क्यों हुआ है, जो भी हो एक्चुअली माजरा गया है, ठीक है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कल मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अगर गैप अप होता है, ठीक है, अगर गैप अप होता है और यहाँ 40,000 अगर मार्केट फिर से नीचे चला जाता है, ठीक है, 3990 के नीचे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 40,000 के ऊपर, ठीक है, तो मतलब 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे और नीचे -2-2 के आसपास टारगेट मिल सकता है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। और अगर गैप डाउन होता है, अगर सीधा इस लेवल के नीचे ओपन मार्केट होता है और यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाता है, तो जैसे ही लो फिर से ब्रेक हो जाएगा, दैट इज 39580, उसके नीचे आपको करना है शॉर्ट। ऐसा ट्रेड कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में। देखते हैं अभी निफ्टी में क्या कर सकते हैं। देखो निफ्टी हम डेली कैंडल में जाएंगे, इसमें तो 200 का मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक किया अभी, तो ये बहुत निगेटिव हो गया अभी, और ये जो सपोर्ट थे, ठीक है, वो कंटिन्यूसली उसने ब्रेक किया। यहाँ पे अगर देखते हो, मैंने आपको पहले बोला ये लोअर हाई था और लोअर लोज बना के जा रहा है। देखो ये जो हाई था उसके बाद ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई, ये और ये, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या बना रहा है, लोअर हाई, और जो लो है वो भी लोअर बना रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। अभी 200 का भी उसने ब्रेक किया है नीचे, तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है। अभी निफ्टी बहुत निगेटिव है तो उसमें शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बन सकता है, और ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो 17,000 के आसपास है, ठीक है, और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 16,800 के आसपास। चलो 15 मिनट में जाते हैं और देखते किस टाइप का ट्रेड बन सकता है कल।
अभी देखो ये जो एंड में जो हुआ है थोड़ा पुश मार्केट, इससे थोड़ा बाइंग संकेत मिलते हैं, तो बाय के लिए थोड़ा मार्केट जा सकता है, लेकिन मेरे को ओपनिंग देखना पड़ेगा, तो उसका जो रूम है नीचे जाने का, ठीक है, वो बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक बार रेजिस्टेंस टच करने के लिए आ सकते हैं, इसके पास आ सकता है, ठीक है, तो एक थोड़ा बाय का रिस्की ट्रेड अगर लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि जो सपोर्ट लिया उसने 17,150 के आसपास लिया है, तो 17,150 के आसपास उसने सपोर्ट लेके ऊपर लिया है मार्केट, तो अभी देखते हैं कि कल ट्रेड किस टाइप का हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है, और फ्लैट ओपन होके थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाए, तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, दैट इज 17,240 के ऊपर आपको बाय करना है, ठीक है, 17,240 के ऊपर बाय कर सकते हो, और पहला आपका टारगेट रहेगा 300 का, ठीक है, मतलब आपको अराउंड एक 60 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, उतना ही 30-40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, अंडरस्टूड। और अगर शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो जाए, ठीक है, और फिर फाइनली अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो, दैट इज 17,160 के नीचे अगर जाता है तो आपको शॉर्ट करना है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, -1-2 के आसपास भी टारगेट आप ले सकते हो, अंडरस्टूड। लेकिन अगर गैप अप होता है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ क्या हो रहा है, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है, मतलब एक 360 और 300 के बीच में, अगर इसके बीच में मार्केट रह के फिर से डाउनफॉल देता है तो आपको शॉर्ट करना है 17,280 के नीचे, ठीक है, तो फिर से लिख के देता हूं, आपको शॉर्ट करना है 17,280 के नीचे, आपको शॉर्ट करना है, ऊपर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 300 के ऊपर, मतलब यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अंडरस्टूड, वेरी गुड। कब, जब मार्केट यहाँ ओपन होके सस्टेन करके ये ब्रेक कर देगा लेवल, तब शॉर्ट करना है, जो 17,280 का लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है, लेकिन अगर पूरा गैप डाउन होता है, मतलब इसके नीचे ओपन होता है और ऊपर आके थोड़ा सा सस्टेन करके फिर से नीचे जाता है, तो 17,150 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 17,150 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, -1-2 के आसपास टारगेट ले सकते हैं, अंडरस्टूड। किस टाइप का ट्रेड करेंगे, अभी निफ्टी मैंने आपको बोला थोड़ा ज्यादा निगेटिव है, क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक उसका टारगेट रहेगा 17,000, और नीचे अगर जाता है तो 16,780 या फिर 800 के आसपास उसका टारगेट रहेगा, ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है तो और बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं, लेकिन देखते कल क्या होता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट ले सकती है, थोड़ा ऊपर जा सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ एसवीबी बैंक, बैंकिंग सेक्टर हो गया थोड़ा निगेटिव, ठीक है, तो उसका डाउनफॉल ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिए कैसे ट्रेड करना है, उस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यस, इफ यू वांट टू टेक ट्रेड्स ऑन दिस एनालिसिस, प्लीज कंसल्ट विद योर ओन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्स्ट एंड देन टेक ट्रेड्स, एंड यस, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज ua.capital, सो यू विल लर्न मोर थिंग्स अबाउट द स्टॉक मार्केट देयर, एंड अगेन आई एम आकाश, दिस इज यूए कैपिटल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन।